नक्सलियों ने गुरुवार को सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया, लेकिन इस रिहाई ने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मौजूदा वक्त के दौरान जब देश एक विश्व शक्ति के तौर पर उभर रहा है, उस वक्त सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में नक्सलवादी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपने वजूद को बनाए रखे हुए हैं। समय की मांग है कि अलग अलग नामों से दहशत फैलाने वाले इन आतंकवादियों की सप्लाई लाइन और इनके थिंक टैंक्स पर घातक प्रहार कर इन्हें नेस्तनाभूत किया जाए। सीआरपीएफ जवान की रिहाई को अगर बारीकी से देखा जाए तो कई तथ्य उजागर होते हैं। राकेश्वर सिंह को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को ही मुठभेड़ के बाद बंधक बनाया गया था। उस दिन नक्सली हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। राकेश्वर सिंह हमले के बाद से ही लापता थे। 7 अप्रैल को नक्सलियों ने उनका फोटो जारी कर बताया था कि वे उनके कब्जे में हैं और सुरक्षित हैं। इसके बाद बातचीत की कोशिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अधिकारी सर्च ऑपरेशन की बात करते रहे। इसी दौरान पीछे के दरवाजे से राकेश्वर को छुड़ाने की योजना भी बनाई जाती रही। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बताया भी है कि राकेश्वर सिंह की वापसी के लिए सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों की मदद ली गई। उन्होंने पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोलेरिया, पत्रकार गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्राकर, राजा राठौर और शंकर का नाम लिया। आखिरकार 5 दिन बाद राकेश्वर सिंह लौट आए। राकेश्वर सिंह की रिहाई से ज्यादा हैरान करने वाला उन्हें रिहा करने का तरीका है। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए वही जगह चुनी जहां उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। यहां सैकड़ों लोगों को जुटाया गया। इस जन पंचायत में राकेश्वर सिंह को हाथ बांध कर पेश किया गया। इसकी कवरेज के लिए मीडिया वालों को बुलाया गया। 2 नक्सली जवान के हाथ खोलते दिखे। रिहाई के वीडियो बनाए गए और राकेश्वर सिंह को मीडिएटर्स के साथ भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में नक्सली ड्राइविंग सीट पर रहे। उन्होंने बताया कि सरकार के दावों के बावजूद सब कुछ उनके ही हाथ में है। जिस जगह बड़े ऑपरेशन का दावा किया जा रहा था, नक्सलियों ने वही राकेश्वर सिंह की रिहाई कर संदेश दिया कि इस इलाके पर राज हमारा ही है। उसे नक्सलियों की माइंड गेम भी माना जा रहा है। कुछ और पहलू भी हैं जो बताते हैं कि सरकार, पुलिस, सैन्य बल और प्रशासन किस तरह नक्सलियों के सामने दर्शक भर बना रहा। अपहरण के बाद 4 अप्रैल को नक्सलियों ने खुद ही मीडिया को फोन कर बताया कि उन्होंने ही जवान का अपहरण किया है। उन्होंने साफ कहा कि कमांडो सुरक्षित है और वे जल्द ही उसकी बिना शर्त रिहाई कर देंगे। नक्सलियों ने ऐसा कहकर हाई मोरल ग्राउंड अपनाने की कोशिश की। ऐसा करके नक्सलियों की ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि उनकी दुश्मनी जवानों से नहीं बल्कि सरकार से है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए नक्सलियों ने ये ऐलान किया कि सरकार कमांडो की रिहाई के लिए मीडिएटर्स के नाम घोषित करे। कमांडो की रिहाई नक्सलियों ने बिना ज्यादा देर लगाए और सरकार के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हालात न बनाते हुए कर दी, ताकि उन्हें गुडविल मिल सके। जिस तरह से जन अदालत लगाकर हजारों आदिवासियों की भीड़ के सामने कमांडो की रस्सियों से मुस्कें बांधकर रिहा किया गया, उससे भी नक्सलियों ने ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि अपने कोर इलाके में उन्हें सरकार का कोई डर नहीं है, उन्हें सरकार की निर्णायक लड़ाई की धमकी का भी कोई डर नहीं। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ देश की संप्रभुता को ललकारा, बल्कि केंद्र सरकार की छवि को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपको याद दिला दें कि 1989 में 5 आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया था। आतंकी इसे काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। वहां 178 पैसेंजर्स की सेफ रिहाई के बदले आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की शर्त रखी थी। इन आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत से स्पेशल प्लेन भेजा गया था। सरकार के मंत्री खुद इन्हें लेकर कंधार गए थे। इसके बाद बंधक तो छूट गए, लेकिन भारत की इमेज एक सॉफ्ट स्टेट की बन गई। 21 अप्रैल 2012 को बस्तर संभाग के सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। मेनन को केरलापाल गांव में जन चौपाल के दौरान अगवा किया गया था। उनके 2 एसपीओ की हत्या कर दी गई और सरकार और नक्सलियों की ओर से नियुक्त दोनों मीडिएटर्स ने बातचीत कर करीब 12 दिन के बाद उन्हें रिहा कराया था। माओवादियों के 2 वार्ताकार बीडी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल ताडमेटला के जंगल से उन्हें लेकर लौटे थे। एक बार फिर सरेआम सरकार की नाक के नीचे सुरक्षा बलों के इलाके में मौजूदगी के बीच नक्सली जनता अदालत लगाकर सरकारी मध्यस्थों और मीडिया के सामने सीआरपीएफ जवान को युद्धबंदी की तरह पेश करने के बाद छोड़ते हैं। घटना ने सारे हालात को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये सरकार और सुरक्षा बलों को देखना है कि इस घटना में छिपे संदेशों का किस तरह मुकाबला करके वे भावी रणनीति तय करते हैं। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमरीकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एनसीसी, बायजूस, टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 705-109-1811।